Now you can see how blood is coming. So these are the vacuum bottles. You can see blood यहाँ पे आ रहा है मेरा. Here. So blood is getting collected. सारा blood यहाँ पे collect हो जाएगा. We will take till this marking, that is 50 cc, and then we will mix it with ozone. That is called major auto hemotherapy and will retransfuse. देखिए ब्लड हमने पेशेंट के लिए ब्लड को दोबारा से रिट्रांसफ्यूज करें तो ब्लड रिलेटेड रिएक्शंस पेशेंट्स को हो सकती है. ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल जीरो कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इसलिए हम सारा का सारा देखो वी आर द ओटी सेटअप्स एंड वी आर टोटली रेडी व्हेन वी आर ट्रांसफ्यूजिंग कि किसी प्रकार की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स को डेवलप ना हो. यूजुअली किसी पेशेंट्स को अगर एलर्जिक्स होते हैं तो डेवलप होता है. तो दिस इज हाउ वी विल डू द एक्सपर्ट इन लिम लेंथिंग डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट. आज हमारे पास पेशेंट है मिस्टर मनिंदर सिंह, ही इज फ्रॉम मणिपुर और इनको 2019 से एवियन की प्रॉब्लम डेवलप हुई, फर्स्ट ऑन लेफ्ट साइड, नाउ इट इज ऑन द राइट साइड ऑल्सो. सो 2019 से इन्होंने अपने वहां पे ट्रीटमेंट लिया है एंड ही वॉज टेकिंग सम लेजर ट्रीटमेंट. देर वॉज नो मेडिसिन ट्रीटमेंट. आप लेजर थेरेपीज लेते हैं सर? लेजर थेरेपी, उससे दर्द वगैरह कितना कम हुआ आपका? थोड़ा कम हुआ था. रिलीफ मिला था. रिलीफ मिला था. अब क्या तकलीफ होने लगी है? अभी दो महीना पहले शकिका का प्रॉब्लम आ गया था, इसी वजह से थोड़ा दर्द होने लगा है. ठीक है. और अभी हिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी हिप में थोड़ा ज्यादा दर्द आ रहा है. ओके. अभी आपको शाटिका का जो दर्द बता रहे, उसको पैर में झंझनाहट सिंपल है कुछ? अभी खत्म हो गया. खत्म हो गया. पैर में कोई दर्द नहीं है? नहीं. सो बेसिकली ही वाज टेकिंग सम लेजर थेरेपी और पेन में उनको रिलीफ आया, बट कोई भी मेडिकेशन थेरेपी से पेशेंट नहीं था. आज की सिचुएशन ऐसे है कि लेफ्ट साइड के हिप के अंदर ऑलमोस्ट 60% जो है देर इज कोलैप्स एंड ऑन द राइट साइड देर इज 50% कोलैप्स. नाउ सिचुएशन इज इट्स ग्रेड 4 एवियन ऑन बोथ साइड. ऐसी सिचुएशन के अंदर हम जो बचा हुआ हिप है उसको ही बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थेरेपी जो हम लोग करने जा रहे हैं. वन इज थिंग कि इनको पेन चल रहा है तो एंड देर इज टाइटनेस ओवर द थाइज, तो वी विल गो फॉर बीटा 6 एंड टाउ ब्लॉक्स ताकि इनकी पूरी की जो स्ट्रेच है वो खत्म हो जाए. एंड सेकेंड वी विल गो फॉर ऑटो हीमोथेरेपी. एस वी ऑलरेडी डिस्कस की ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी, हम एवियन और बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या क्रॉनिक डिजीजेज के अंदर करते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर किसी को टिंगलिंग नमनेस हैवीनेस चल रही है उनके अंदर, क्रॉनिक डिजीज लाइक रोमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर उसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं इसको एवियन के अंदर. ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के अंदर, यस यू नो एवियन के अंदर हमारे हिप की वेस्कुलरिटी गेट अफेक्टेड और यूजुअली ऐसे पेशेंट्स के अंदर सिंगल ब्लड सप्लाई होती है हिप के हेड की, इसकी वजह से प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है. पोस्ट कोविड बहुत सारे पेशेंट्स अब ज्यादा हमारे पास आने लगे हैं ऑफ एवियन. रिसेंटली ऑल्सो कल मैंने एक पेशेंट देखा था, ही वाज यंग पेशेंट, बैक एक के प्रॉब्लम से डेवलप चल रहा है और सब जगह पे उससे बैक एक और एमआरआई लेके घूम रहा है इसमें L5-S1 डिस्क है. व्हेन वी एग्जामिन हिज हिप एंड एक्सरे किया तो दैट्स एवियन केस. सो ये सिनेरियो आजकल चल रहा है, इसलिए यंग पेशेंट्स के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ऑलवेज एग्जामिन अवर हिप ऑल्सो. नाउ हियर वी आर गोइंग फॉर DSCB. DSCB का रोल एवियन के अंदर सिर्फ पेन मैनेजमेंट के अंदर है, स्ट्रेच को रोल आउट करने के अंदर है. इसके बाद जो हम साथ में ऑटो हीमोथेरेपी देंगे, ऑटो हीमोथेरेपी SCB ऑलरेडी नो और मैंने बहुत सारी वीडियोज के अंदर भी ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी के इतने सारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इंक्लूडिंग एवियन के अंदर रोल्स बताए हैं. इसके साथ में हम पेशेंट को स्पेसिफिकली मुखर्जी रेजिमेन पे करते हैं. मुखर्जी रेजिमेन पे इस समय हमारे मोर देन 70-80 पेशेंट्स जब से हमने मुखर्जी रेजिमेन स्टार्ट किया वो एवियन के हैं एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग गुड. इसमें क्या है कि ग्रेड के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न ग्रेड 3 तक वंडरफुल रिजल्ट्स है. ग्रेड 4 पे पेशेंट का पेन खत्म हो जा रहा है, लिम्प श्योर पेशेंट को है, बट पेशेंट डिड वॉन्ट टू गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन. पेशेंट को चाहिए कि मैं अपने ही हिप पे काम करूँ, चाहे मैं थोड़ी लचकपन रह जाए पर मेरा दर्द खत्म हो जाए. ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका पेन खत्म हो चुका है, पेन फ्री है, स्क्वेटिंग कर सकते हैं, क्रॉस लेग बैठ सकते हैं और अपने हिप पे सारी चीज़ कर पा रहे हैं. क्योंकि अगर हम हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी अफेक्टेड हो जाती है और आपको अपनी बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती है. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर बीटा 6 और बीटा 6 के बाद हम लोग जाएंगे ऑटो हीमोथेरेपी के लिए.
दर्द हुआ है, कौन से पैर में दर्द ज्यादा था आपको? राइट में. ओके, तो वी विल गो फॉर बीटा 1 2 3 ऑल्सो. एंड अभी हमने इनको बीटा 6 लगाया है, नाउ वी विल गो फॉर बीटा 1 2 3 एज वेल एज वी विल गो फॉर टाउ ब्लॉक्स. और जब मैं बीटा 1 2 3 लगाऊंगा तो बायलेटरली आई विल गो फॉर बीटा 5. बीटा 5 का रोल ये होता है कि हैमस्ट्रिंग स्पैजम्स को रिलैक्स करता है, बिकॉज इसमें हैमस्ट्रिंग भी बहुत ज्यादा टाइट है. सो वी विल गो फॉर बीटा 1 2 3 नाउ. सो nowadays what we are doing, हम एवरी ब्लॉक्स के साथ हम लोग ओजोन भी मिक्स करने लगे एंड वी आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट, बिकॉज इससे ब्लॉक्स ऑगमेंट हो जाते हैं और लंबे समय तक ब्लॉक्स अफेक्ट रहते हैं. सो फ्रेंड्स, वी आर गिवन हिम बीटा 6, वी आर गिवन हिम बीटा 1 2 3 ऑन राइट साइड एंड वी आर गिवन हिम टाउ ब्लॉक्स एंड नाउ वी विल गो फॉर ऑटो हीमोथेरेपी. इस तरीके से DSCB इंजेक्शन फॉर पेन मैनेजमेंट, ऑटो हीमोथेरेपी एंड मुखर्जी रेजिमेंट, दैट इज उसमें ओरल टैबलेट्स है. इस तरीके से ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है. फ्रेंड्स, वी आर नाउ स्टार्टिंग फॉर ऑटो हीमोथेरेपी, दैट इज कॉल्ड ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी. दीज आर द ओजोन बॉटल्स, ये ऑटो हीमोथेरेपी की स्पेशल बॉटल्स होती है. दीज आर द वैक्यूम बॉटल्स एंड अब मैं इसमें हेपरिन डाल रहा हूँ. यू कैन सी ये अपने आप ही सारा का सारा जा रहा है, ये सक्शन कर लेता है खुद ही. So these are the vacuum bottles. You can see blood यहाँ पे आ रहा है मेरा. Here, so blood is getting collected. सारा blood यहाँ पे collect हो जाएगा. We will take till this marking, that is 50 cc, and then we will mix it with ozone, that is called major auto hemotherapy, and we will retransfer. So now we have taken ozone. This is ozone, and we will bend the this. So now basically हम mix कर रहे हैं इसको ओजोन को, ये ओजोन को mix कर रहे हैं इसके साथ में, ठीक है. And once it is mixed, we will retransfer. ओजोन हो गई और ये ओजोन से mix हो गया. So this is called ozone auto hemotherapy. So friends, this is ozone auto hemotherapy. This is the blood. अब आप इसमें देख सकते हैं color भी change हो गया blood का. ये it become cherry red color. तो डार्क कलर बिकॉज ये ओजोनेटेड ब्लड है और इस ब्लड के अंदर पूरी की पूरी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट एंड इम्यूनोमोडुलेशन की पूरी प्रॉपर्टी है और साथ में रिजुवेनेशन की प्रॉपर्टी है. सेलुलर लेवल पे काम करेगा. नाउ वी विल ट्रांसफर इट इमीडिएटली. सो यूजुअली ऑटो हीमोथेरेपी, मेजर ऑटो हीमोथेरेपी जब भी हम लोग कर रहे होते हैं, वी शुड ऑलवेज डू इट आइदर इन ओटी सेटअप या फिर आईसीयू सेटअप के अंदर करते हैं, ताकि हम किसी भी अनटूवर्ड इवेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहें. देखिए, एक ब्लड हमने पेशेंट के लिए ब्लड को दोबारा से रिट्रांसफ्यूज करें तो ब्लड रिलेटेड रिएक्शंस पेशेंट्स को हो सकती है. ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल जीरो कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इसलिए हम सारा का सारा देखो, वी आर द ओटी सेटअप्स एंड वी आर टोटली रेडी व्हेन वी आर ट्रांसफ्यूजिंग कि किसी प्रकार की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स को डेवलप ना हो. यूजुअली किसी पेशेंट्स को अगर एलर्जिक्स होती है तो डेवलप होता है. तो दिस इज हाउ वी विल डू द मेजर ऑटो हीमोथेरेपी. नाउ यू कैन सी, सो नाउ वी विल रिट्रांसफ्यूज दिस ब्लड. ये ब्लड को पूरा का पूरा रिट्रांसफ्यूज हो जाएगा एंड दिस इज That is called major ऑटो हीमोथेरेपी. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप और भी इस पर रिसर्च कर सकते हो किस तरीके से ये. अब कई बार पेशेंट्स के डेंटिस्ट मुझे पूछते हैं, सर क्या हम भी इस चीज़ को ले सकते हैं? यस, रिजुवेनेशन थेरेपी की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. जब पेशेंट्स को, हमें कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि रोज की एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी भी बॉडी के अंदर वेयर एंड टीयर चलता रहता है. सेलुलर लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें डैमेजेज चलता रहता है. अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं और यंग रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तब भी नॉर्मल इंडिविजुअल जिनको कोई भी प्रॉब्लम इस समय डेवलप नहीं है, वो भी इस चीज़ को ले सकते हैं. इसी तरीके से हम एक हाइड्रोजन थेरेपी आगे में लाने वाले हैं, वो भी इसी तरीके से आपको बूस्टर्स की तरह काम करती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, रिजुवेनेशन थेरेपी की तरह काम करती है. तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट हाउ वी ट्रीट एवियन पेशेंट विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन. इनके अंदर जरूर ग्रेड 4 पे है पर ये सर्जिकल के लिए जाना ही नहीं चाहते, तो ऐसे में पेशेंट्स को हम मोबिलिटी दे सकते हैं, पेशेंट वॉक कर सकता है, पेन फ्री रह सकता है. हाँ, अब पेशेंट को मुखर्जी रेजिमेन पे जो कि मेडिकेशन है उस पर लंबे समय के लिए थोड़ा रहना पड़ता है. 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स का ट्रीटमेंट रहता है और साथ में पेशेंट ऑटो हीमोथेरेपी 1 1 मंथ के इंटरवल पे कराए.
वैसे अवर प्रोटोकॉल इज दैट कि अगर एवियन का रिसेंटली डायग्नोज पेशेंट है तो हम उसको 15-15 डेज पे ऑटो इम्योथेरेपी देते हैं, डीएससीटी इंजेक्शन एज पर रिक्वायरमेंट, अगर पेन है तो देना है अदरवाइज नहीं देना है, साथ में पेशेंट को मुखर्जी रेजिमेन, एंड फिर चार थेरेपी देने के बाद एट ए वन मंथ इंटरवल इट कैन बी कंटिन्यूड। सो बेसिकली डीएससीटी इंजेक्शन फॉर पेन मैनेजमेंट, ऑटो इम्योथेरेपी, ओजोन ऑटोमेथेरेपी एंड मुखर्जी रेजिमेन। मुखर्जी रेजिमेन इज द की स्टोन, की पार्ट, जिसके वजह से हमारा सारा का सारा जो हिप की एवेस्कुलरिटी हुई है वो रीवेस्कुलराइज होने लग जाता है ग्रेजुअली ओवर द पीरियड। सो अभी हम इनकी मोबिलिटी थोड़ी कम रखेंगे और इस तरीके से एवियन को बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के ट्रीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको अर्ली फेज एवियन आ रखा है ग्रेड वन पे, ग्रेड टू पे, ग्रेड थ्री पे, तो आप डेफिनेटली और बेटर रिजल्ट होंगे, कभी भी आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, एवियन हिप की समस्या से पीड़ित है या फिर एवियन बाकी किसी यूनिट बोन वगैरह से पीड़ित है, तो डेफिनेटली इस थेरेपी के लिए जा सकते हैं। इससे किसी प्रकार के कोई भी एफेक्टिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल हैं और आप अपने ही हिप पे बिना किसी सर्जरी के नॉर्मल अपने हिप पे सारी एक्टिविटी लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं एक बार इसको रीवेस्कुलराइज होने के बाद। सो किसी भी ऐसी समस्या के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, हमें शेयर करें। आपकी एक वीडियो शेयरिंग से हो सकता है कि एवियन के पेशेंट को फायदा हो या फिर बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस को हम ट्रीट कर रहे हैं जिससे पेशेंट को फायदा होगा। पेशेंट हमेशा आपको थैंक यू बोलेगा कि आपने वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।